मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने देर रात शराब धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अहियापुर और बोछा के इलाके में छापेमारी कर एक ट्रक और 3 पिकअप पर लोड भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। करीब 70 लाख रुपए से अधिक इसकी अनुमानित कीमत आंकी गई है। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर में लीची बगान में शराब की बड़ी खेप को अनलोड किया जा रहा है। सूचना पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। टीम के पहुंचते ही सभी धंधेबाज फरार हो गए। वहां से एक ट्रक और 2 पिकअप पर लोड शराब जब्त किया गया। जांच के क्रम में पता लगा कि एक पिकअप पर शराब लोड कर बोछा की तरफ भेजा गया है। वहां से टीम ने बोछा इलाके में रेड किया। शराब लोड पिकअप को जब्त कर लिया गया। चालक भागने में सफल रहा। फिलहाल गिनती होने के बाद ही सही आंकड़े का पता चल पाएगा। जब्त ट्रक हरियाणा नंबर का है। इसमें खुफिया बॉक्स भी बना हुआ था। इसके अलावा पिछले हिस्से यानी कि डाला पर भी शराब की कार्टन छिपाई गई थी। इस पर फॉर सेल इन पंजाब लिखा हुआ है। वहीं जब तीनों पिकअप मुजफ्फरपुर का है। इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन ट्रक और पिकअप से कई कागजात बरामद हुए हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य सामान है। इसकी जांच की जा रही है। चारों वाहन को जब्त कर आबकारी थाना भेज दिया गया है। वहीं सभी धंधेबाजों के नाम और पते का सत्यापन करने में पुलिस जुट चुकी है। ये कार्रवाई कल देर रात्रि की गई है। सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के एक लीची गाछी में एक ट्रालर ट्रक को मंगाया गया है और उससे अलग अलग गाड़ियों में शराब अनलोड कर अलग अलग स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई और घटनास्थल पर पहुंचा गया और देखा कि एक ट्रालर ट्रक जिसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई हैवी मशीनरी उसमें रखा गया है। तो इसी तरीके से मतलब छिपाया गया था शराब को और घटनास्थल पर पाया कि इस बड़े ट्रक से अलग अलग छोटे छोटे पिकअप्स में शराब को अनलोड कर रखा गया है और इसमें एक पिकअप को कारोबारियों ने कुछ दूर आगे भेज दिया था डिलीवरी के लिए और सूचक की निशानदेही पर टीम वहां भी गई और वहां पर पिकअप को जब्त किया और ये कार्रवाई। करोड़ों की अनुमानित कीमत इसमें 4 वाहनों की जब्ती की गई है तो और शराब भी काफ़ी मात्रा में है तो लगभग 1 करोड़ के आसपास का टोटल एस्टिमेट होना चाहिए। गिरफ्तारी भी है क्या? वाहन की जांच की गई है। अलग अलग कागजात मिले हैं वाहन से जिसमें कई लोगों का कुछ लोगों का नाम भी लिखा हुआ है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी छानबीन की जाएगी और जो भी अभियुक्त हैं उनको जल्द ही उजागर किया जाएगा। सर किस क्षेत्र से पकड़ाया है? बोलिए या तो